हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे, जो कि मुझे मतलब काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के जितने भी हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए और आपको मतलब इन डिटेल बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो, निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो, साथ ही साथ बेस्ट मतलब इंट्राडे स्टॉक्स जो है उनकी वीडियो, या और भी तरह की वीडियो, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की भी वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो उसमें मैं कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो काफ़ी जो बिगनर है या फिर इन डेप्थ डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए अब स्टॉक का भी इंडिकेटर्स का भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे एक हमारी स्ट्रेटजी भी है जो हम हर रोज डिस्कस करते हैं, 5 मिनट की स्ट्रेटजी, जिसपे हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज का क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें बताता है। मोटा मोटा अगर बात करें, जो मूविंग एवरेज होता है, ये आपको कई तरह की चीज़ें बताता है। पहली, ये सपोर्ट के बारे में बताता है कि कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट तो वो तभी लेगा। मान लो ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ये 50 एक्सपोनेंशियल, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो स्टॉक आया, सपोर्ट लिया। मान लो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, तो 200 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये क्या बता रहा है हमें? सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक वैसे इसका उल्टा कर देते हैं, ये हमें दूसरा क्या बताता है? रेजिस्टेंस के बारे में। अगर मार्केट नीचे है और ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, या 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, तो ये क्या बताएगा? इस पे क्या करेगा? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह ये सारी चीजें एक्ट करेगा। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे कि क्या है इसका सारा तरीका। दूसरा एक चीज और बताता है, पहली चीज क्या होगी, ये सपोर्ट के बारे में बताता है और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। दूसरी चीज क्या है, ये हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। हमें कब पता चलेगा कि ट्रेंड अपवर्ड है या ट्रेंड डाउनवर्ड है? कई तरीके होते हैं ट्रेंड को पहचानने के, जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि हायर हाई बनते जा रहे हैं कि नहीं, या हायर लो बनते जा रहे हैं कि नहीं, या फिर हायर लो बनते जा रहे हैं कि नहीं, या लोअर हाई बनते जा रहे हैं कि नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें होती है पहचानने का, पर फिलहाल हम मदद से देखेंगे मूविंग एवरेज की मदद से। अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक मूविंग एवरेज होता है और मैं इस्तेमाल करता हूं जो वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये ज्यादा बेटर होता है, मैं आपको कहूंगा कि आप इसे इस्तेमाल करें। इनमें अलग से डिफरेंस क्या होता है, इस पे मैं अलग से कभी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी अगर सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। हम मेन चीज समझ लेते हैं जो हमारे काम की है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज लगाना कैसे है, इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पर टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज चैलेंज, मतलब बहुत सारे तरह के हैं। हमें लगाना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने इसे दो बार टाइप कर दिया क्योंकि हम दो लगाएंगे। अभी यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं, हम एक लगाएंगे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेंथ से क्या होता है, लेंथ से आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। दूसरा हम लगाएंगे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि पहचान में आ जाए, ये ब्लैक वाला। ठीक है, आपको रटना नहीं है कि ब्लैक वाला 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या ब्लू वाला 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप इसे उससे भी नोटिस कर सकते हैं जो प्राइस के नज़दीक रहता है या जो कैंडल के नज़दीक रहता है, वो छोटे वाला होता है। छोटे वाला कौन सा है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो कैंडल से दूर रहता है या ज़्यादा दूर होता है, वो कौन सा है? टू बड़े वाला। बड़े वाला कौन सा लगाया हमने? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज लगा लो, यहाँ पे एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं। मान लो मैंने लगा दिया ये 20 वाला, लग गया। अब ये और नजदीक आ गया, तो नजदीक वाला कौन सा हो गया? जो सबसे छोटे वाला है, कौन सा है? 200 वाला।
वहीं हम इसे चेंज कर देते हैं, हम इसे लगा देते हैं 100, 100 आ गया। अब ये यहाँ आ गया, नजदीक वाला कौन सा है, सबसे छोटे वाला, छोटे वाला कौन सा होगा, 50। तो समझ पा रहे हो कि नहीं, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। हमें दो ही मूविंग एवरेज में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ और मेरे हिसाब से यही बेटर है। ब्लू वाला तो है हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक वाला है ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहली चीज हमें क्या बताता है, ट्रेंड के बारे में, कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर आपको ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर दिखाई दे रहा है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे नीचे दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है 15 मिनट। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो चीज़ें बदल जाएगी। मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम ही चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने 1 डे सेलेक्ट कर लिया तो सारी चीज़ें जो है वो बदल गई। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें बदल गई। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो इनका क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहली चीज हमें क्या पता लग गया, ट्रेंड के बारे में, कि ट्रेंड अगर ये मतलब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे है, तो आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में अपवर्ड चल रहा है। लॉन्ग टर्म की हम अलग बात करेंगे, या सॉरी यहाँ पे ये क्या है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये ऊपर है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है, तो शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड चल रहा है। ये देखो नीचे डाउनवर्ड चल रहा है। तो ये आपको पता लग गया कि कब अपवर्ड है कब डाउनवर्ड है। आप इसे मतलब पीछे भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कब अपवर्ड चल रहा है कब डाउनवर्ड चल रहा है। सारी चीजें आप देखो, कोई भी चीज आपको समझाई जाती है आप उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करो। बैक टेस्टिंग से आपको काफी रिजल्ट आते हैं और काफी चीजें समझ में आती है। चलो हम फिलहाल यहीं पे आते हैं, पीछे भी जाएंगे हम। तो पहली चीज हमें क्या पता लग गया, पहली चीज पता लग गई ट्रेंड। दूसरी चीज हमें क्या पता चल गया, हमें ये बाइंग सिग्नल भी देता है और सेलिंग सिग्नल भी देता है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो मुझे रोज कमेंट आते हैं कि उन्होंने सी होल्ड कर रखा है या उन्होंने पी होल्ड कर रखा है, कल क्या होगा, कि कल ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बेनिफिट होगा कि नहीं, एग्जिट मार दे कि नहीं, ये बता देगा आपको। क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बाई सिग्नल देगा, सेलिंग सिग्नल देगा। यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है तो इसका मतलब ऊपर जाने के चांसेस है लंबे टाइम में, मतलब 7 दिनों में या 15 दिनों में या 1 महीने में, डिपेंडिंग ऑन आप टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल कर रहे हो। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर वहीं अगर आप थोड़ा सा इसे पीछे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिल रहा है नीचे की तरफ। चलो पहले फिलहाल लोग कंफ्यूज ही होंगे कि क्रॉस ओवर का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर मिला, जब भी मान लो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और आपको क्रॉस ओवर मिला ऊपर की तरफ, ये है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इसने क्या सिग्नल दिया आपको, बाई का सिग्नल दिया। देखो इसका मतलब एग्जैक्ट ये नहीं होता कि आप बाई कर लो, ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक चीज के भरोसे कुछ भी बाई नहीं किया जा सकता और कुछ भी सेल नहीं किया जा सकता। काफी एनालिसिस देखने पड़ते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना पड़ता है कि नजदीकी सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस क्या है, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के क्या चांसेस हैं, ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है कि नहीं, हमें बाकी और इंडिकेटर, MACD क्या सिग्नल दे रहा है, RSI क्या सिग्नल दे रहा है, या अगर हमने बोलिंजर बैंड यूज कर रखा है वो क्या सिग्नल दे रखा है, प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिलहाल जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत बाई करने लग जाओगे, क्रॉस ओवर मिल गया और आपका लॉस हो गया, यहां से मार्केट गिर गया और आप बोलो कि आपने बोला था क्रॉस ओवर मिल जाए तो बाई कर लिया। देखो अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको कम से कम 2 to 3 टाइम या 2 से 3 जगह अगर बाई का सिग्नल मिल रहा है तब बाई बर करो। वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, हो सकता है आपको क्रॉस ओवर मिल जाए, दूसरा ये होगा, हो सकता है कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिल जाए, तो 3 सिग्नल हो गए, या कम से कम 2 सिग्नल तो आपके पास होने चाहिए तब आपको बाइंग पोजिशन बनानी चाहिए। सेम इसका ही अपोजिट सेलिंग सिचुएशन में है।
या तो आपको क्रॉसओवर नीचे की तरफ मिले, पहला ये सिग्नल मिल गया, या फिर कोई मतलब अगर सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन मिल जाए, दूसरा सिग्नल आपको ये मिल गया, या फिर कोई ट्रेंड लाइन है उसका आपको ब्रेकडाउन मिल जाए। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, 2 to 3 सिग्नल होने चाहिए तभी आपको बाइंग और सेलिंग बनानी चाहिए। इसका जस्ट मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ पे क्रॉसओवर मिला तुरंत बाइंग डाल दो। चलो मैं आपको लाइव ही एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये लॉस देखो प्रॉफिट भी दे देगा लेकिन लॉस भी दे देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पूरे एरिया में, देखो यहाँ पे आपको क्रॉसओवर भी मिल रहा है, यहाँ पे नीचे को क्रॉसओवर मिला था, यहाँ पे ऊपर को क्रॉसओवर मिला था, और ये मतलब 5th को हुआ था। अगर यहाँ पे नीचे को क्रॉसओवर मिल गया इसका मतलब सेलिंग सिग्नल मिल गया, मार्केट चला गया ऊपर, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दे दिया बाइंग का, मार्केट आ गया नीचे, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर आप एक सिग्नल पे भरोसा करोगे तो कभी ना कभी आपका लॉस हो जाएगा, और वो लॉस ऐसा होगा वो आपके सारे पैसे को खत्म कर देगा। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से कि आपको करना क्या है, एक ही उस पर भरोसा नहीं करना है। तो चलो फिर हम वहीं पे आते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर इसे मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए क्योंकि आपके काफी डाउट क्लियर होने वाले हैं। फोकस हमेशा लर्निंग पे करो, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग पे फोकस करते हैं, बस कोई बता दे कल बाई होगा बाई कर लेंगे, कल कोई बता दे बस सेलिंग होगा सेलिंग कर लेंगे, क्यों कर रहे हैं नहीं पता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका एक दिन सारा पैसा चला जाएगा एक ही दिन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फोकस हमेशा लर्निंग पे करो, अर्निंग पे नहीं। तो पहला हमें क्या पता चल गया, ट्रेंड का पता चल गया। दूसरा हमें क्या पता चल गया, ये सपोर्ट बताता है, ओ रजिश ओ बाइंग सिग्नल देता है और सेलिंग सिग्नल देता है, यही बात की थी ना हमने, क्रॉसओवर मिलता है, क्रॉसओवर मिलता है। तीसरा हमें क्या बताता है, ये हमें सपोर्ट बताता है और रजिस्टेंस बताता है। चलो अब वो भी देख लेते हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 200 क्या है हमारा, ब्लैक वाली लाइन क्या है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू वाली लाइन क्या है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर आपको याद नहीं रखना, मैं बस जस्ट आपको जिससे कि आप समझ पाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हमें क्या देखना है, यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इंट्राडे पर्पज से बता रहा हूं कि इंट्राडे में आपको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना है। अगर आप यहां पे देखोगे, आज ही देखो, अगर आप 21 को देखोगे तो 21 को इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया, ये नजदीक आया, हालांकि इसने मतलब एग्जैक्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं लिया, उससे ऊपर लिया। लेकिन अगर हमें पता है कि मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है, यहां पे हमें पता है क्योंकि वो या तो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। तो हमें पता है ये हमें बाइंग बाइंग करने में मदद करते हैं और सेलिंग करने में मदद करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ से हम बाइंग पोजिशन बनाएंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देगा और प्राइस नीचे क्लोज हो जाएगा तब यहाँ से हम सेलिंग पोजिशन बनाएंगे, टारगेट हम रखेंगे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। पीछे आओ, 20 को आओ, 20 को मार्केट अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट कर रहा है, यहां पे क्या ले रहा है सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये देखो दिख रहा है ना आपको, यहां पे आप 20 को देखो, 20 को इस वाली कैंडल से 20 शुरू है, पहले ये क्या ले रहा था सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, इस रेड वाली कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर देखो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना इसने शुरू कर दिया। इस वाली कैंडल पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और इस वाली कैंडल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये कहां तक जा सकता है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। समझ पा रहे हो ना, यहां पे सपोर्ट लेके चांसेस है कि ये ऊपर को मोमेंटम दिखा दे, तो हमें ये बता रहा है कि सपोर्ट कहां पे मिल रहा है और रेजिस्टेंस कहां पे मिल रहा है, ये हमारी ट्रेड लेने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया है, यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और हमें पता है मार्केट में नेगेटिविटी है और इस दिन मार्केट नेगेटिव था, तो हमें पता है सेलिंग पोजीशन बनानी है, कहां पे बनानी है, जब वो यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, और ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट कैच किया। और पीछे जाओ, 19 को देखो,
19 को अगर आप देखोगे मार्केट इससे ऊपर है, नीचे आएगा तो कहां पे ये सपोर्ट लेगा? अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो वो कहां पे सपोर्ट लेगा? अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर आप देखेंगे पूरा दिन ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता रहा। समझ पा रहे हो ना? अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि इसने यहां पे सपोर्ट ले लिया, अगर ये इसका ब्रेक डाउन दे देता तो, अगर ये ब्रेक डाउन दे देता तो फिर क्रॉस ओवर आता। अगर ये, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी हम पीछे भी एनालिसिस करेंगे, और ये सिर्फ अभी मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखा रहा हूं, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, सब जगह सेम ही थ्योरी है। चाहे आप इसे निफ्टी 50 में अप्लाई करो, या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अप्लाई करो, या फिर किसी भी तरह के स्टॉक में अप्लाई करो, कमोडिटी में अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो, थ्योरी सेम ही रहेगी। मैं अभी आपको स्टॉक के भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, निफ्टी 50 के भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता, चलो हम ब्रेकडाउन ही ढूंढ लेते हैं, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता, ये देखो यहां पे इसने पहले तो यहां पे क्या लिया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ऊपर गया यहां पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर ये नीचे आया, हमें पता लग गया सपोर्ट कहां लेगा, देखो यहां पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पे क्या एक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका भी गैप अप ओपनिंग दे दी, ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे आ गया, ये देखो क्रॉस ओवर आ गया। हमने क्या समझा था? पहला ट्रेंड, दूसरा बाइंग और सेलिंग सिग्नल, ये कहां से मिलेंगे? ये क्रॉस ओवर से मिलेंगे। और तीसरा हमने क्या समझा था? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हम अब समझ रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? अब देखो ये अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इन दोनों कैंडल को देखो सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है आगे देखो, मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, क्रॉस ओवर आ गया, क्रॉस ओवर आ गया, इसका मतलब हमें क्या होगा? ये क्रॉस ओवर हमें क्या बता रहा है? बाइंग और सेलिंग सिग्नल के बारे में बता रहा है। मैं इन फ्यूचर आपको ये भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप इसमें कंफ्यूज होना, कमेंट मत करने लग जाना कि बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, एक ही मतलब दूसरे तरीके का कैसे पता लगाए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल आप, अभी मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं, पहली चीज ये ट्रेंड को बताएगा, दूसरी चीज ये आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल देगा, क्रॉसओवर देगा, मार्केट के मोमेंटम को बताएगा, तीसरी चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताएगा। आप फिलहाल ये समझो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान दो, क्योंकि अगर एक चीज समझ में आ गई फिर बाकी चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलो ये तो आपकी समझ में आ गई, चलो अब निफ्टी 50 पे चलते हैं। निफ्टी 50 वाले भी बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि निफ्टी 50 का बता दो, तो हम यहाँ पे भी मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। सेम वही आपको सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे एक तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, दूसरा आपको क्या लगाना है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको डायरेक्शन का पता, मतलब पता रहे कौन सा है। अभी यहां पे जो ब्लू वाला है ये हमारा क्या है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो ब्लैक वाला है ये क्या है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी चलो यहां पे ही देख लो, यहां पे इसका ब्रेकआउट मिला, आपको एक ऊपर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 20 को अगर आप देखोगे, ये देखो यहां पे क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट, और यहां पे क्या कर रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। 19 को आओ, 19 को ये अलग था, हमें नहीं पता कहां पे सपोर्ट लेगा, हमें पता है जब ये अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पहला सपोर्ट इसका कहां पे होगा? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, क्योंकि अभी ये ऊपर है, एक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में, तो हमें पता है ये यहां पे सपोर्ट लेगा। फिर जब इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उससे भी पीछे आओ, ये देखो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है। उससे भी पीछे आओ, ये तो बात हो गई सपोर्ट की, रेजिस्टेंस कहां पे लेगा आप? यहां पे देखो ये नीचे है डाउन ट्रेंड में, यहां पे इसने पहले सपोर्ट लिया, यहां पे फिर रेजिस्ट कर रहा है, ये देखो इस पूरे एरिया में ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे भी आप देखोगे अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है इस एरिया में। तो अभी आपको क्लियर होगा सपोर्ट कब लेता है, रेजिस्टेंस कब लेता है, क्रॉसओवर कब आता है, बाइंग पोजीशन का सिग्नल कब मिलता है, सेलिंग पोजीशन का सिग्नल कब मिलता है, ट्रेंड को कैसे पहचानना है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, बाइंग और सेलिंग सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉसओवर पे नहीं करनी,
इसके साथ आपको और भी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती है। इन फ्यूचर मैं आपको डिटेल में उन पे भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलो फिलहाल आप ये समझ गए, ट्रेंड के बारे में समझ गए कि ट्रेंड कब अपवर्ड होने वाला है, कब डाउनवर्ड। अगर स्टॉक मतलब कैंडल ऊपर है, उसके नीचे 50 है और उसके नीचे 200 है, तो आप शॉर्ट टर्म में इसे क्या समझ सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, ये क्या है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आप इसे शॉर्ट टर्म में अपवर्ड समझ सकते हैं। अगर कैंडल नीचे है और उसके नीचे उससे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है 50 और उससे ऊपर 200, तो आप शॉर्ट टर्म में इसे डाउनवर्ड समझ सकते हो। ये भी कंफ्यूजन क्लियर होगा। चलो अब किसी स्टॉक पे लगा के देख लेते हैं, यहां पर डाल लेते हैं सबका फेवरेट रिलायंस। हाँ यहाँ पे ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो हमने रिलायंस को लगा लिया, ये लग गया रिलायंस। तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा इससे जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आप और चीजें भी देख पाए। चलो यहां पे देखते हैं, यहां पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर गया, यहां पे देखो क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है अपने कहीं पे। ब्लैक वाला क्या है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लू वाला क्या है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से अगर नीचे आएगा एक पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा तो यहां पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आप पहचान पा रहे हो कि नहीं, ट्रेंड भी पहचान पा रहे हो। पहली चीज क्या बताएगा, ट्रेंड बताएगा। दूसरी चीज क्या बताएगा, बाइंग और सेलिंग सिग्नल देगा। वो कहां मिल रहा है, यहां पे देखो क्रॉसओवर मिल गया, क्रॉसओवर मिल गया, ऊपर की तरफ क्रॉसओवर मिला है। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने इसे ऊपर की तरफ कट किया है और देखो यहां से मार्केट ने क्या तगड़ा मोमेंटम दिखाया है। ये क्रॉसओवर मिला, एक ऊपर गया, पर लेकिन हमें एक ही चीज के भरोसे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी, इसके साथ और भी चीजें इस्तेमाल करनी है, मैं इन फ्यूचर आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां पे देखो, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट, यहां पे रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो कि नहीं, सपोर्ट यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट लिया, देखो यहां पे अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। चीजें बहुत आसान है, बस मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। यहां पे देखो आपको कितना बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट, यहां पे भी सपोर्ट, आज के दिन भी मार्केट ने यहां पे आपको सपोर्ट दिखाया। अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा, देखो ये आपको बड़े ट्रेंड को या आप जो हमारी 70 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी है वहां पे भी आप अपने पॉइंट को बढ़ा सकते हो। कैसे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो जैसे यहां पे आपने बाइंग पोजीशन डाली, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको पता है कि ये यहां पे क्या एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट, तो आप यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, आपको पता है ये कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यहां पे अपने 200 एक्सपोनेंशियल पे, तो आप यहां तक का टारगेट रख सकते हो। और भी बाकी चीजें कंबाइन करनी है तो इन फ्यूचर आपको उन पे भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चलो एक और स्टॉक हम चुन लेते हैं, कौन सा चुने, एचडीएफसी या फिर और कौन सा, एचडीएफसी, ये रहा एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। देखो सारी जगह सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ट्रेंड का पता चल गया। पहली चीज ट्रेंड पता चल गया, ट्रेंड कैंडल ऊपर है, फिर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, फिर 200 एक्सपोनेंशियल है, यानी कि शॉर्ट टर्म में अपवर्ड है। दूसरी चीज बाइंग और सेलिंग, वो कहां से पता चलेगी, क्रॉसओवर से। तो पहला सिग्नल हमें कंफर्म हो गया कि बाइंग आ रही है, क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हुआ और मार्केट ऊपर भी गया। दूसरा और तीसरा सिग्नल हम या तो ट्रेंड लाइन से या सपोर्ट रेजिस्टेंस से कंफर्म करेंगे क्या है। तीसरी चीज हमें क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाना है। वो कैसे पता चलेगा, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पे देखो सपोर्ट ले रहा है, यहां पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, कहां पे सपोर्ट ले रहा है, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ब्लू वाला क्या है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ब्लैक वाला क्या है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे दे इसने, फिर कहां पे सपोर्ट लेगा, ये अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। यहां पे देखो ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है, फिर ऊपर चला गया, फिर यहां पे सपोर्ट ले रहा है। जब ये नीचे आएगा पहले सपोर्ट कहां पे लेगा, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दे, कहां पे सपोर्ट लेगा, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। समझ पा रहे हो कि नहीं, अब आपको इन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। उससे पहले आप बहुत सारे स्टॉक लगाओ अपने उस पे, इन चार्ट को लगाओ और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाए। और मेरी अगली वीडियो का वेट करो,
उसमें मैं आपको और भी चीजें या और स्ट्रेटजी मूविंग एवरेज से रिलेटेड, क्योंकि पहले हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की काफी स्ट्रेटजी समझेंगे, क्योंकि हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताता हूँ, मार्केट का ट्रेंड भी बताता हूँ, और हमारी 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी भी है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पिवट पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो को लाइक टारगेट मैं रखता हूं 2000 लाइक, ठीक है? आपको ये टारगेट कंप्लीट कराना है। साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही कि नहीं। अगर नहीं रही तो आप वो भी बेफिक्र होकर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करूंगा उसमें और क्वालिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।